नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मेरे मन की बात, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कोरोना का कहर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ये मानते हैं कि ये युद्ध है और वो हमें वॉरियर मानते हैं। उसके लिए हमें कहा गया है कि लॉकडाउन, मतलब घर में रहो, और जो 60 या 65 के ऊपर है उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बाद में वो मास्क पहनो, अभी मैंने नहीं पहना है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर जाते तब मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। यदि काम नहीं है तो बाहर मत जाओ, क्योंकि ये वायरस बड़ा खतरनाक है और वो है, और उसको रोकने के लिए ये युद्ध है और इसमें हमें ऐसा करना चाहिए। तो फिर मेरा ये सवाल ऐसा है कि ठीक है, अभी जब जैसे आम वॉर होता है, जैसे पाकिस्तान से युद्ध हुआ या अभी कश्मीर पे चल रहा है, तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जिनको बंदूक चलाने नहीं आता वो वहां पर नहीं लड़ते, वहां जो ट्रेंड लोग हैं वो लड़ते हैं। पुराने जमाने में था कि शिवाजी महाराज हाथ में तलवार लेके खुद लड़ते थे। मेरा ये कहना ऐसा है कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन किया तो एक मराठी में मन है, डोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडा पाशा। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसका पालन खुद करना चाहिए। आज वो जो, मैं ये नहीं बोलता कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं तो वो जो स्टाइल से पहनते हैं, थोड़ा स्टाइल उन्होंने अभी बदल दिया है तो वो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो यदि अपने में बदलाव लाते हैं, देखो राजा को हम फॉलो करते हैं, हम अनुकरण प्रिय है, तो उन्होंने भी फिर इसका पालन करना चाहिए, खुद के कपड़े खुद धोना चाहिए। ठीक है, वो तो अकेले है, किसी एक को जिसको कोई पास नहीं है वो खाना बनाने के लिए या घर के काम के लिए, वो उनके घर में उसे रख सकते हैं, क्योंकि वो यदि बाहर गया तो उसको भी कोरोना होगा। इन्होंने खुद ने, जैसे हम लोग जरूरत के वस्तु लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए बाहर जैसे, वैसे वो भी खुद बाहर निकले हाथ में थैली लेके और कतार में खड़े रहे, और फिर उनको भी पता चलेगा कि भैया ये जो आटा है और ये जो दाल है इसका क्या भाव है, किसान कितने रुपए में बेचते हैं और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं। देखो 12-12 तास 17-17 तास वो काम करते हैं, ऐसी उनकी पूरी दुनिया में ख्याति है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा जाएगा, अकेले जाना पड़ेगा। ठीक है, वो यदि कोई उसके उनके साथ, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि वो आके कोई बंदूक मारेगा रास्ते पे, तो कोई आ ही नहीं, फिर भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते उनके बॉडीगार्ड आजू बाजू में चलते हैं तो बात अलग है। खुद लाइन में खड़े रहो, खुद के कपड़े खुद धो, एक शर्ट पैजामा का भी है, रोज के रोज उनको धोना है, और जो उनका खानसाम आया उसको उनको थोड़ी मदद करना है, एक दो घंटे जाएंगे इसमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन इससे फर्क ये पड़ेगा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। ये जो लॉकडाउन का पीरियड पहले 14 अप्रैल तक के था, फिर 3 मई तक के बढ़ाया, उसकी नौबत ही नहीं आती थी, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर खुद उसे फॉलो कर रहे हैं, और ये तो फॉलो कर सकते हैं, युद्ध है ना, तो फिर आप भी लड़ो, वहां बैठे ऑर्डर देके फायदा क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बोलो या और भी कोई बोलो, सब जगह सब ये सब शिस्त सिखाई जाती है, इसका पालन वो क्यों नहीं करते। आप बोलेंगे कि वो बहुत उनको बड़ा काम रहता है, अरे वो यदि करेंगे तो कलेक्टर जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, अभी उद्धव जी ठाकरे उनके घर में फैमिली है, उनके फैमिली के कोई मेंबर आपको थैली लेके जाते हुए देखा, वो भी जाएगा। वो यदि बाहर जाते थे तो उनको पता चलता था कि वहां पर जो एक आदमी है वो चाय बेच रहा है, तो ये सब इतना उसको भी कोरोना हुआ है, ये नहीं होता।
ये बिल्कुल मेरा कहना है, और फिर आपको ये लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। दूसरी बात, ये झोपड़पट्टी में जो है आपने सब चीजें बंद करके रखी, झोपड़पट्टी में और छोटे छोटे घर है, एक एक घर में सात सात लोग रहते हैं, और यदि लॉकडाउन नहीं रहता बिल्कुल हटा देना चाहिए लॉकडाउन, तो वो बाहर गए थे काम के लिए। बस में जैसा उद्धव जी ने बोला था कि भैया बस में आप डिस्टेंस मेंटेन, एक सीट पे एक आदमी, ऐसा करके आप बस स्टार्ट कर सकते हैं, रेलवे में भी ऐसा कर सकते हैं, वहां पर क्यों नहीं डिसिप्लिन मेंटेन हो सकती, एकदम से कैसे क्या लोग चढ़े जाएंगे, उसमें भी शिस्त लगा सकते हैं, वहां पर भी एक कतार में लाइन लगा के जितने लोग हैं उतने ही लोग वहां बैठेंगे, ऐसा नियम। और खुद यदि इस नियम का पालन हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो किसकी ताकत है, हर व्यक्ति कर सकता है। और दूसरी बात, ये काम के लिए यदि ये लोग बाहर निकलेंगे तो वो बस्ती में इतनी भीड़ नहीं रहेगी, और भीड़ नहीं रहेगी तो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन होगा, ये मेरा कहना है। चाहे आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और देखो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।